रूस सऊदी अरब समेत ओपेक प्लस के सदस्य देशों ने अचानक से तेल उत्पादन में कटौती की घोषणा कर दी है। ओपेक प्लस के इस कदम के बाद अंतर्राष्ट्रीय बाजार में ब्रेंट क्रूड ऑयल की कीमत 8% तक बढ़ गई है। रिपोर्ट के मुताबिक अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमत $87 प्रति बैरल पार कर गई है। भारत फिलहाल रूस से रियायती कीमतों पर कच्चा तेल खरीद रहा है, लेकिन ओपेक प्लस के इस कदम के बाद रूसी कच्चे तेल की कीमत में भी बढ़ोतरी हो रही है। इससे भारतीय तेल व्यापार में शामिल बैंकों की चिंताएं बढ़ गई है। देश के दो बड़े सरकारी बैंक भारतीय स्टेट बैंक और बैंक ऑफ बड़ौदा ने प्राइस कैप से ऊपर लेन देन करने से इनकार कर दिया है। अमेरिका समेत कई पश्चिम देश रूस पर आर्थिक प्रतिबंध और रूसी तेल पर $60 प्रति बैरल की प्राइस कैप लगाए हुए हैं, यानी $60 प्रति बैरल से ऊपर तेल आयात पर उस तेल के लिए कंपनियों को शिपिंग, बैंकिंग, बीमा और वित्तीय सहायता नहीं दी जाएगी। रिपोर्ट के मुताबिक रूसी कच्चे तेल की कीमत में लगातार बढ़ोतरी के कारण रूस से लंबे समय तक तेल खरीदना मुश्किल हो सकता है। देश की सबसे बड़ी सरकारी तेल रिफाइनरी कंपनी इंडियन ऑयल भले ही पहले से रूसी तेल निर्यातक रोसनेफ्ट PJSC से डील कर चुकी है, लेकिन अन्य छोटे तेल कंपनियों के लिए रूसी तेल का सौदा करना मुश्किल हो जाएगा। रिपोर्ट के मुताबिक तेल रिफाइनरी कंपनी के एक एग्जीक्यूटिव ने नाम ना जाहिर करने के शर्त पर यह बताया है कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और बैंक ऑफ बड़ौदा ने तेल रिफाइनरी कंपनियों को सूचित किया है कि वो प्राइस कैप के ऊपर खरीदे गए तेल का भुगतान इस बैंक के माध्यम से नहीं कर पाएंगे। इसके अलावा एग्जीक्यूटिव ने बताया कि दक्षिण एशियाई देशों में बंदरगाहों पर शिपिंग और लॉजिस्टिक चार्ज जोड़ने से पहले बैंक कच्चे तेल की कीमतों पर कड़ी नजर रख रहे हैं। इस पूरे प्रकरण पर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और बैंक ऑफ बड़ौदा की ओर से अभी तक कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। भारत अपनी जरूरत के हिसाब से 80% तेल आयात करता है। रियायती कीमतों पर मिलने के कारण भारत रूस से भारी मात्रा में तेल खरीद रहा है। मार्च महीने में भारत ने कुल आयात का 34% तेल अकेले रूस से खरीदा है। भारत अभी रूस से अकाउंट, लॉजिस्टिक और अन्य कीमतों को ध्यान में रखते हुए डिलीवर्ड बेसिस पर तेल आयात करता है, लेकिन ओपेक प्लस की ओर से तेल उत्पादन में कटौती की घोषणा के बाद कच्चे तेल की कीमत में बढ़ोतरी हुई है, जिसके बाद बैंक प्री ऑन बोर्ड प्राइस डिटेल्स की मांग कर रहे हैं, ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि रूस से खरीदा जा रहा तेल प्राइस कैप के तहत निर्धारित कीमत $60 प्रति बैरल या उससे कम है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।